श्रीमती रामानुजाय नमः। प्रत्येक शब्द के लिए अन्यापदेश अर्थ, स्वापदेश का अर्थ एवं भावार्थ, प्रकरण या संदर्भ का अर्थ, सूक्ष्मार्थ, मर्मार्थ, तात्पर्य, ये सब बहुत प्रकार का व्याख्यान है। इसलिए हम जो विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, विद्या का मूल नाम में जितने अर्थ हम निकाल सकते हैं उतनी निकाल के उसका बहुत परिणाम है, वो विविध परिणामों का समालोचन दृष्टि हमको पहले होना चाहिए। योग शब्द तो बहुत लोग जानते हैं, योग में हम बोलते हैं वो आदमी को बहुत योग है, ये तो योग दिशा है, इसलिए वो बहुत खुशी में संतुष्टि में है। जहाँ धन की अनुभूति नहीं तो आयन शयन सुख भोग की अनुभूति योग कर जाता है, वहां उसी संदर्भ में। और नियोग, वियोग, अभियोग, संयोग, सब बहुत उपसर्गों के साथ योग शब्द का अर्थ भी विभिन्न प्रकार में शास्त्रों में दिए हुआ। उसमें मूल अर्थ, बहुत अर्थ व्याख्यान करने में बहुत देर होगा, इसलिए उसका मूल तात्पर्य तीन शब्दों से हम योग शास्त्र का लक्ष्य और योग शब्द की निष्पत्ति हमको मालूम हो जाता है। एक तो संधि, दूसरा तो संघ, और तीसरा तो मेलन या मिलन। योग का मतलब है मिलन, नहीं तो संधि। संधि में दो शक्तियों हैं, दो प्रकार शक्तियों का जो परिणाम है या तो विमुख है, वो दो शक्तियों का मिलन, उसको योग हम बोलते हैं, संधि बोलते हैं। एक कारण कार्य, एक प्रकार प्रकारी, एक दाता और स्वीकर्ता, ये दोनों की मिलाप को संधि बोलते हैं। संघ को भी योग बोलते हैं, बहुत लोगों का मिलन को संघ बोलते हैं, सद्योग को सत्संग बोलते हैं। इसलिए व्यवहार संबंधित दो वस्तुओं का मिलन वो संधि नाम का योग है। एक स्थिति से और दूसरी स्थिति पर जाना वो भी एक मेलन है। और बहुत समान बुद्धि और बहुत समान गति विलक्षित पुरुषों का मिलाप को हम मेलन या संघ या सत्संग बोलते हैं। ये तीन व्युत्पत्तियों से उनको क्या होता है, आपका मन में जो अभिलाषा है, आपकी प्रगति के लिए आप जो मार्ग पर अभी चल रहे हैं, उसी मार्ग पर चलने वाले, मार्ग दिखाने वाले, आपको हाथ पकड़ के साथ ले आने वाले, नहीं तो साथ सिर्फ आने वाले, वो सब आपका योगिक है। इसलिए आपकी इच्छा और गति के अनुसार जो जो रह रहे हैं उनके साथ मिलना, देखना, उनको याद में रखना, याद करना, ये सब योग है। दूसरा था, आप तो लेते हैं, आपको देने वाला जो मूल पुरुष है उनसे आप मिलना, वो तो योग है। और आपकी असली स्थिति तो अलग है, वास्तविक स्थिति अलग है, वो वास्तविक स्थिति से आप सब अपनीत है, जिसलिए आपका जो वास्तविक गौरव, बहुत धनिक लोग बोलते हैं ना, 10-15 साल के पहले हम बहुत बड़ी धनिक थे, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए भूत स्थिति में हम देखते हैं कि बहुत लोगों को बहुत ज्ञान है, ज्ञान का आवरण माया वो अज्ञान से होता है, वो दरिद्र आके धन का अपहरण करता है और हीनता आके बल का अपहरण करता है। ऐसा हमारी वास्तविक स्थिति में, वास्तविक स्थिति में ने अभी हम जो जो ले रहे हैं वो सब ये शारीरिक स्थिति है, इसको बद्ध स्थिति बोलते हैं। हम जो अज्ञान, अन्यथा ज्ञान, विपरीत ज्ञान, संशय, मोह, मत, मात्सर्य, व्याधि, बलहीन और बुद्धि का कुटिल भाव, ये सब जो जो हम अनुभव कर रहे हैं ये शरीर की चेष्टा है, ये तो हमारा यातात्म्य स्थिति नहीं है।
इसलिए कि शरीर के साथ जो रहने वाले हैं वो शरीर संबंध से जो जो है ये गुण है, गुण मैंने जो दूषित गुण है, कलुषित गुण है, वो सब गुणों का आकार हम अभी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। इसलिए यहाँ ये सब छोड़ के हमारा वास्तविक जो स्थिति है, वो हमारी परिस्थिति जो असली स्थिति है, उसको वापस चल जाना, वो भी योग है। इसलिए संधि, संघ और मेलन, इसका अर्थ भक्त और दूसरे भक्तों के संधि करना, मेलन करना, योगी और योग दर्शकों के साथ मिलना, ये एक योग है। दूसरा तो योग में जो चल रहा है घंटा, वो योग का गति जो भगवान है उनसे मिलना, और जो योग अवस्था में बैठे हुए हैं उनके जो वास्तविक स्थिति है, आत्मा स्थिति, उसको क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक परिपूर्ण स्थिति, जो अभी अपूर्ण है, वो अपूर्ण वाला वापस इनको पूर्ण स्थिति जो भगवान ने दिए हैं, स्वाभाविक है, वो स्थिति को बार ये सबको निकाल के फिर वापस वहां चल जाना, ये भी एक योग है। इसलिए योग मैंने हमारा पूर्ण स्थिति को वापस चल जाना, दूसरा परिपूर्ण भगवान से मिलना, और जो भगवान योग ज्ञान तत्व का मिलन में इच्छुक है, उत्सुक है, उन सबके साथ संग रखना, ये तो योग शब्द का अर्थ है। और वो तो कर सकते हैं ना, इसको क्या करना चाहिए, ये हमको उनको देखने के लिए काम है और इच्छा है, हम देख लेंगे, और भगवान को यदि हम चाहिए तो वो ले लेंगे, फिर भगवान तो सर्वशक्ति है, यदि भगवान को हम चाहिए तो वो स्वतः उनका संकल्प से हमको ले सकते हैं। यदि हम उनको मिलना चाहते हैं हम तो मिल जाएंगे, इसको रुकने वाला कौन है, क्या रुकावट है इसमें। चार प्रकार का रुकावट शास्त्र में है, वो तो दिए हैं, पहला तो कश्मल और अशक्ति दूसरा विघ्न है, और संचलन वो तो तीसरा विघ्न है, और अंतिम में आ जाता है कुटिल। और शरीर की परिमिति या शरीर का दोष तो यह है कि शरीर तो हमेशा कश्मल युक्त है और अशक्त है, और मन में तो तकलीफ, मन का संचलन स्थिति, और बुद्धि है, बुद्धि कभी कभी विपरीत दृष्टि में चल जाता है, उसको कुटिल बोलते हैं, कौटिल्य। इसलिए ये चार प्रकार का दोष हमारा भव बंधन से हमको अभी मिला है। भव बंधन मैंने द्वंद्व, द्वंद्व का विचार कल हमने किए हैं एक अध्यात्म विचार केंद्र में, हमने किए द्वंद्व, माई और माया, बंध और मोक्ष, पुण्य और पाप, जनन और मरण, सुख और दुख, ये सब ये तो द्वंद्व होते हैं, ये तो दो दो वस्तुओं का संघ को हम द्वंद्व बोलते हैं। ऐसा भव बंध में, भव या माया का बंध में हमको ये चार प्रकार का दोष तो अभी है, शरीर हमेशा कश्मल पीड़ित है, और हमेशा अशक्ति का आश्रय है, और मन तो बहुत संचल है, एक क्षण एक वस्तु को पकड़ के वो काम नहीं कर सकता है। यदि एक वस्तु को पकड़ के बहुत देर वो काम कर सकता है, वो वस्तु तो हमको यदि दुष्ट होगा नहीं तो हमको अप्रयुक्त होगा। यदि निष्फल वस्तुओं से नहीं तो कोई वस्तु जो हमको विपरीत बल देने वाले, वो वस्तु को बहुत आग्रह से ग्रहण करके मन होता है, और हमको सफलदायक वस्तुओं को छोड़ जाता है, इसलिए वो तो संचलन मन का। और तो बुद्धि, तो बुद्धि हो जाता है, वो बुद्धि तो कुटिल रीति में जाके यदि आत्मापहार नहीं तो परापहार उसके बारे में कुछ सोचना और करना चल जाता है, और बुद्धि में आर्जव नहीं तो रुजु दृष्टि नहीं होगी। इसलिए ये सब तो भवबंध से विचार करना पड़ेगा। ये चार प्रकारों के दोषों से निवृत्ति मिलने के समय में हमको योग में इच्छा और योग में अनुष्ठान और योग में अभ्यास और योग में अभिरुचि और योग में सिद्धि और योग से साक्षात्कार, ये सब होगा। फर्स्ट योग में इच्छा होना चाहिए, प्राथमिक दृष्टि से योग इच्छा, योगी की इच्छा, वो प्राथमिक स्थिति इच्छा से ही शुरू होती है, और इच्छा से हमको फिर विश्वास तो बढ़ाना चाहिए, फिर अनुष्ठान अभ्यास से हमारा क्रिया संपत्ति तो फिर बढ़ाना चाहिए, फिर योग सिद्धि, और योग सिद्धि का अंतिम सीमा तो भगवत साक्षात्कार, नहीं तो याथात्म्य साक्षात्कार हो जाता है।
इसलिए योग की इच्छा होने के लिए उसको भी कुछ भगवान की कृपा होना चाहिए और आत्मा का अपूर्व यादृच्छिक सुकृत या सुफल कर्म कुछ होना चाहिए। इसलिए सुकृत से भगवान का सत्य संकल्प से ईश्वर का सौहार्द से पूर्व पुण्य का लवलेश बिंदु से ही हमको योग ऐसा एक विद्या में हमको विश्वास और इच्छा हमको प्रकट या प्रवाह हो जाती है, इसके बिना नहीं होगी कभी भी। इसलिए बहुत प्रकार की गतियों हैं, सब लोग एक ही गति में नहीं आ सकते। शास्त्र में दिया कि पहले तो मंद गति है, नैच्य गति है और अल्प गति है, त्वरित गति है, प्रचुर गति है और पूर्ण गति है। इसको गति शक्ति बोलते हैं। जो आदमी इसको कभी भी विश्वास नहीं करता है वो तो नैच्य गति में बैठे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहिए, उनको कभी भी विश्वास नहीं होगा। यह सब तो शरीर विकार है और काल का व्रय है, यह सब विश्वास करने में कुछ भी नहीं होगा। जो नास्तिक है, अश्रद्धेय और अविश्वस्त है, वो तो नैच्य गति में बैठे हैं। उनको हम अमृत संजीवनी जैसा हमारा अनुष्ठान या प्रार्थना या भगवत कृपा का प्रवाह से ही उनको स्मरण या जागरण होगा, नहीं तो उनको कभी भी नहीं होगा। जो मंद स्थिति में है उनको विश्वास होगा, लेकिन वो करने के लिए समय नहीं मिलेगा। वो समय करके वो करने के लिए तो वो धैर्य या वीर्य वो गांभीर्य नहीं आएगा। इसलिए ये मंदगति में बहुत लोग चल रहे हैं। योगाभ्यास से, योग ज्ञान से हमको शरीर में आरोग्य और संचलहीन मन और सूक्ष्म बुद्धि और आत्मशुद्धि ये सब मिल जाती है। ये सबको मालूम है क्योंकि बहुत लोगों को देख रहे हैं। यहाँ प्रदेशों में, स्वदेशों में, विदेशों में बहुत लोग इसका अनुष्ठान में है, अभी प्रलीन है, वो सब लोगों को देख रहे हैं। फिर भी वो रुचि का वो वेग नहीं होता है, वो जव नहीं होता है, क्योंकि वो मंद गति में चल रहे हैं। अल्प गति में जो है वो तो कर रहे हैं, लेकिन अविच्छिन्न रूप में नहीं कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार करते हैं, महीने में एक दो बार करते हैं, फिर छोड़ जाते हैं। इसलिए विच्छिन्न रूप में जिसके पास वो आत्मज्ञान की रुचि है, वो पिपासा है, और यदि कुछ अल्प गति में चल जाती है फिर अविच्छिन्न आचार नहीं तो अनुष्ठान नहीं कर सकते, वो बीच बीच में छोड़ के कर जाता है। इसलिए जिसको वो प्रचुर गति में होता है उसका वो नित्यानुष्ठान होगा। इसलिए जो आप यहाँ कोई शिक्षक बोलने के समय में, नहीं तो एक आदमी करके दिखाने के समय में, उसका अनुवर्तन के रूप में हम भी बैठ के करेंगे, क्योंकि यहाँ दूसरा काम नहीं कर सकते ना, यहाँ तो दूसरा काम नहीं कर सकते, वो करने के लिए सुविधा नहीं है और कोई भी नहीं है घर में, नहीं तो दूसरा एक वातावरण में। जब एक दूसरा काम का बलात्कार है तब भी उसको दूसरे स्थान में रख के हमारा काम करने में ही उद्वेग है। यदि दूसरा एक कार्य का बलात्कार है, वो बलात्कार को हम निर्लक्ष्य करके यदि ये काम को कर सकते हैं वो तो वैराग्य है। दूसरा काम नहीं, यहाँ आके कुछ करेंगे तो वैसा नहीं है। अभी तो एक वातावरण में करना है, वो तो क्या बोलते हैं इसको, अल्प गति बोलते हैं। जो भी हो वातावरण, उसमें हमारा वातावरण की सृष्टि करके हम विरग रूप से करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, प्रचुर गति। इसलिए जो मंद अल्प गति में बहुत लोग बैठे हैं वो तो प्रचुर गति में आना चाहिए। और प्रचुर गति में जो रोज अनुष्ठान करते हैं उसको केवल शरीर का आरोग्य या मन की स्थिरता या बुद्धि की स्थिरता ये सब छोड़ के, इसमें बहुत सिद्धि है, इसमें बहुत लाभ है, वो भी हमको मिलना चाहिए। इसलिए सब छोड़ के, बहुत लोग आदमी लोग योग को छोड़ के बहुत कुछ कर रहे हैं। जो सब छोड़ के योग करना चाहता है उसका स्थान तो हम बोलते हैं त्वरित। क्या गति बोलते हैं? त्वरित। सब छोड़ के योग मार्ग में हम सीमा को देखना है, ठीक है अभी तो हम अच्छे हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छे स्थिति हमको होना चाहिए। वो क्या हम देखना चाहते हैं, ऐसा बहुत उत्साह से, प्रोत्साह से जो वो सीमा को देखना चाहता है वो तो त्वरित है। और पूर्ण मैंने जिसको भगवान का साक्षात्कार मिल हुआ है, भगवान का पद द्वंद्व का जो अनुभव का आनंद रस को हमेशा पीने वाला और पिलाने वाला जो महानुभाव है उसको हम पूर्ण बोलते हैं। इसलिए योग गति में नैच्य गति, मंद गति, अल्प गति, प्रचुर गति, तीव्र गति और पूर्ण गति है। इसलिए योग के बारे में हम सुनने के लिए या सुनाने के लिए या कुछ लिखने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ प्रकार और विकार करके हम आके बैठे हैं। ये सब तो हमारा
जो आत्मा बोलते हैं ना, वो आत्मा का अनुरूप विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुरूप विकास। आत्मा का विकास तो दो प्रकार का विकास है, अनुरूप और अननुरूप, अनिष्ट और इष्ट। आत्मा का मोचन के लिए और आत्मा की प्रगति के लिए जो कुछ हम अच्छे काम कर रहे हैं वो सब आत्मा का इष्ट कार्य है। और कोई आदमी ये अतल पाताल संसार माया प्रपंच प्रकंठित बद्ध स्वरूप में जो मिल जाता है वो सब आत्मा का अनिष्ट है, अनिष्ट प्रवृत्ति, वो मायाग्रस्त प्रवृत्ति बोलते हैं जिसको। एक आदमी दूध पीता है और एक आदमी मद्य शराब पीता है और एक आदमी मांस खाता है और एक आदमी फल खाता है, और दोनों शरीरों में तो आत्मा ही है ना, परंतु जिसमें दुग्ध फल आदि सात्विक प्रकारों की सेवा है वहां आत्मा तो इष्टपूर्वक वो काम कर रही है। जहां आत्मा के लिए वो अनर्ह है, अयोग्य है, वहां तो आत्मा का अनिष्ट कार्य है जो ये भवमाया बंधन से हो रहा है, बलात्कार से। इसलिए अभी आप जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सब आपका आत्मा का प्रियतम इष्ट कार्य अनुरूप कार्य। इसके इसको क्या बोलते हैं शास्त्र में? स्वरूपानुरूप आध्यात्मिक इष्ट कार्य प्रवृत्ति। ऐसा बहुत छोटा नाम दिए स्वरूपानुरूप आध्यात्मिक इष्टानुरूप प्रवृत्ति में वो बहुत बड़ा भाग्य है। और भाग्य मिलने तो भाग्य नहीं है, जो भाग्य अभी मिला है वो भाग्य को हम स्थिर करना तो बहुत बड़ा भाग्य है। भाग्य बहुत लोगों को मिल सकता है, इसलिए जिसको भाग्य मिल रहा है वो तो भाग्यवंत नहीं है। जो मिला हुआ भाग्य को रखता है, हमेशा रख लेता है, वो तो वास्तविक भाग्यवान है। इसलिए भाग्य तो सब लोगों को हो सकता है बाल्य में, नहीं तो कुछ ना कुछ संदर्भों में। हम संगीत पढ़ते हैं और संस्कृत पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, और फिर एक गृहस्थ धर्म में, नहीं तो वार्धि के आने के समय में शरीर आसक्ति से, संदर्भों की माया से हम सब छोड़ के फिर भूल जाते हैं। इसलिए जो भाग्य मिला है वो भाग्य तो हमेशा हमारे साथ रख लेना, वो तो महाभाग्य, नहीं तो सौभाग्य बोलते हैं इसको। इसलिए वो सौभाग्य हमको मिलना चाहिए। लेकिन सौभाग्य तो किसको मिल रहा है? बाल्य में मिल रहा है। बाल्य तो बहुत इसके लिए एक उचित प्राय है, क्योंकि बाल्य में सब अनुकूल है। बाल्य में क्या क्या अनुकूल है? अज्ञात प्राय है, अननुभूत प्राय है, और अरोध प्राय है। परंतु बहुत लोग बाल्य वयस में भी बहुत रुग्ण होने वाले बहुत है, हमेशा सुबह से रात तक दवाई लेने वाले तो बाल्य में है। लेकिन शास्त्र दृष्टि में बोल रहे हैं बाल्य में तो रोग का ताप बहुत कम होगा, और अज्ञात प्राय वो तो ऐसा शुभाशुभ ये नहीं जानते हैं, बहुत कुछ चीज जो प्रपंच में बाहर हो रहा है वो सब वो नहीं जानते हैं बच्चे लोग, और अननुभूत है, उसकी अनुभूति नहीं है। जो बिल्ली तो दूध ले ली है, फिर आपका पाकशाला को छोड़ेगा क्या? एक दिन आके वो दूध पी लिए तो फिर दूसरे दिन आपको कमरों नहीं छोड़ेगा वो, इसलिए वो अननुभूत प्राय है। इसलिए हम बोलते हैं यौवन या कुछ बाधिक प्राय में सब कुछ आपको मालूम होगा, ये क्या वो क्या सब मालूम होगा और अनुभव में ही होगा। सब मालूम होने के बाद और अनुभव होने के बाद एक वस्तु को छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक वस्तु को रखना और छोड़ना, ये दोनों के लिए जो वैराग्य और ये दोनों के लिए जो विवेक चाहिए, वो विवेक बाल्य में देना चाहिए, जिससे वो यौवन और वार्धिक प्राय में वो विवेक से और वो वैराग्य से ये करना ये नहीं करना ऐसा वो समझ सकते हैं, विवेक से वो कर सकते हैं वैराग्य से। इसलिए दिल में वो बल होना वो तो विवेक है, और काम में उसी बल रखना तो वैराग्य है, ये सब बाल्य में ही हो सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि बाल्य जिसको अभी पीछे चला वो सब तो अभी नहीं कर सकते हैं, आप घर जाइए, ये सब आप सबको निराकरण करने के लिए उपाय नहीं बताते हैं। अभी आप क्या करना चाहिए? जो आप जानते हैं वो भूल होना चाहिए, जो आप जानते हैं वो भूल जाना चाहिए, जो आप अनुभव है आपका अनुभव सब भूल जाना चाहिए। इसलिए एक बाल्य अवस्था का एक स्मरण से, बाल्य आपका उत्साह से, आपका विश्वास से, आपकी अभिरुचि से, ये बाल्य को वापस ले आना चाहिए आपका दिल में। इसलिए आपको शुभाशुभ का यह चिंतन है, अविवेक चिंतन और अवैराग्य चिंतन, वो सब तो भूल जाना चाहिए। इसको विस्मरण विद्या बोलते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, आपका आचार्य आपको करना चाहिए। ऐसे 10 लोग खेल रहे हैं, 11 लोग खेल रहे हैं, वो पेटी को देख के आप सुबह से रात बैठते हैं, इतना आकर्षण यदि वो खेल में है
उससे अधिक आकर्षण एक महत्वपूर्ण शक्ति आचार्य को होगा। आकर्षण तो आचार्य को होना ही चाहिए, केवल पुस्तक देख के बोलने वाला नहीं, तो चित्र रख के आपको विभाग करने वाला तो आचार्य नहीं, वो तो शिक्षक है। आचार्य तो आपको प्रेरणा करने वाला, उनकी दृष्टि से, प्रेम शक्ति से, ज्ञान शक्ति से, वीक्षण से, स्पर्श से, स्मृति से, सानिध्य से, उपदेश से, उपन्यास से, दीक्षा से, आचार और अनुष्ठान का प्रदर्शन से आपको उन्नति में ले आने वाला योग्य पुरुष को हम आचार्य कहते हैं। वो आदमी क्या करना चाहिए, आपको विस्मारण दीक्षा करना चाहिए, जिससे इसके पहले जो जो दिए हैं वो सब स्वप्न तुल्य, नहीं तो जन्मांतर तुल्य होगा। नहीं, हम तो इसे की जन्मांतर में इसे किया होगा, ऐसा एक भाव आना चाहिए आपको, एक नया जन्म और नया स्मृति जो देने वाले हैं विस्मरण से, वो विस्मारण सिद्धि देने वाला तो आचार्य है। इसलिए बाल्य में जो आपको अज्ञात, अनुभूत और आरोग्यता है, वो तीन आप 60 उम्र में शुरू कीजिए, नहीं तो 50 उम्र में कीजिए, 70 में कीजिए, जो कुछ भी हो आपका प्राय, उसी प्राय में ये तीन शक्ति आपको जो मिल जाते हैं वो तो आचार्य है, वो पहले मिलना चाहिए। क्योंकि शरीर और शरीर विक्रिया एक प्रकार और योगाभ्यास दूसरा प्रकार, ऐसा दोनों दिशों में नहीं तो विदिशों में चलने से आपको गति, नहीं तो आपकी जो लक्ष्य है वो लक्ष्य की संपत्ति कभी भी नहीं होगी। इसलिए बाल्य तो बहुत विशिष्ट है। और भी एक मुख्य समाचार हम बोलना चाहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यम और नियम, इसको आधार शक्ति बोलते हैं। आप षट द्वंद्वों का पठन करना चाहिए। षट द्वंद्व मन का आक्रमण देह में और देह का आक्रमण मन में, तो अंग्रेजी में बोलते हैं जो साइकोफिजियोलॉजी एंड फिजियोसाइकोलॉजी, अंग्रेजी में बोलेंगे तो बहुत प्रकार इसका विभाग कर सकते हैं, हम हिंदी में उतनी वाग्मी नहीं है। इसलिए शरीर के ऊपर मन का आक्रमण और मन के ऊपर शरीर का, मन का आक्रमण बुद्धि के ऊपर और बुद्धि का वैपरीत दृष्टि मन के ऊपर, यह बुद्धि और चित्त आत्मा के ऊपर और यह संबंधित या बद्धित आत्मा या बद्धात्मा वो बुद्धि के ऊपर, मन के ऊपर और शरीर के ऊपर, यह सब पारस्पर्य बोलते हैं शास्त्र में, पारस्पर्य बोलते हैं। इसलिए पहला यह प्रश्न हमको होना चाहिए, देह को हम जानते हैं, मन को जानते हैं, बुद्धि या चित्त या अहंकार और आत्मा तो अनुभव तो कर सकते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष गोचर नहीं है। इसलिए हमको बहुत नजदीक है स्थूल रूप में शरीर और सूक्ष्म रूप में मन, ये दोनों के बारे में पहले हमको जानकारी होना चाहिए। इसमें एक प्रश्न हम पूछेंगे, मन का आक्रमण शरीर के ऊपर, शरीर का आक्रमण मन के ऊपर, ये दोनों में कौन से वस्तु ज्यादा आक्रमण कर रहा है? मन में मन का आक्रमण शरीर के ऊपर ज्यादा होता है। इसलिए योग शास्त्र में वो मन को नियंत्रण करने के लिए वो बाल्य में यम और नियम का अभ्यास होने दिए। इसलिए पहले मन का आक्रमण शरीर में कम होने के बाद शरीर का आक्रमण शरीर में कम हो जाता है, फिर मन का आक्रमण मन में कम हो जाता है, फिर बुद्धि का आक्रमण मन में कम हो जाता है, फिर बुद्धि का आक्रमण आत्मा में कम होता है, फिर आत्मा तो शुद्ध निर्मल हो जाती है, फिर वो निर्मलता मिलने के बाद वो शुद्ध आत्मा, शुद्ध धी, शुद्ध मनस और परिशुद्ध शरीर हमको प्राप्त हो जाता है। इसलिए पहले यम और नियम का अभ्यास करना चाहिए। मैं अभी पूछ रहा हूं, यम और नियम के लिए शिक्षण पद्धति है, कोई लोग ऐसा सीखने वाले हैं, बहुत लोग योग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनके पास पूछिए आप यम नियम आसन जो पढ़ रहा है, जिसको यम का हस्तगत सिद्धि है उनको नियम की सिद्धि होगी, जिसको यम और नियम में अनुष्ठान है उनको ही आसन की सिद्धि हुई, जिसको यम नियम और आसन में सिद्धि है, पूर्णता है, उसको ही प्राणायाम की सिद्धि होगी। ये चार विभागों में जो संसिद्ध है, संलग्न है, उनको प्रत्याहार, ये पांच विभागों में जो दीक्षित है उनको ही ध्यान होगी, ये ध्यान में जो सिद्धि है उनको धारण धारणा में समाधि, ये सब तो एक आधार पूर्वक सोपान है। अभी तो हम देख रहे हैं अलग अलग पढ़ रहे हैं, यदि एक आदमी का आंख तो बहुत सुंदर है, इसका अर्थ यह है कि वो शरीर में प्राण होना चाहिए, यदि आदमी तो मर जाता है फिर वो आंखों को देखने को हम तो डर आ जाता है, एक आदमी तो यदि मृतप्राय है
नहीं तो एक आदमी तो यदि कलुषित है या खंडित है, उनका शरीर में देख के आपको संतुष्टि आपको मिल जाता है क्या? वो आंखों को देख के नहीं, वो शरीर में प्राण होना चाहिए, वो शरीर ये मुंड में ये मुख होना चाहिए, मुख में ये आंख होना चाहिए, और आंख में एक भाव होना चाहिए। ये सब होने से वो आंख तो अच्छा होता है। ये आंख निकल के एक बहुत बड़ा बर्तन में रख के पानी डालकर उसको देख के क्या आता है आपको? यदि डर आ जाता है, नहीं तो विजगुप्सा आ जाता है। ठीक, इसलिए जो आसन है वो आसन को यम और नियम से अनुभव करना है। यम और नियम का अनुभव के बिना केवल आसन का अनुभव करना, हमारा शरीर में यदि आंख और आस्य या श्रोत्र अंगुली ऐसा जो अवयव में सौंदर्य है वो सब काट के अलग रख के उसका सौंदर्य देखना, जैसा विजगुप्सित काम है वो। इसलिए अभी जो ये प्राणायाम कर रहे हैं उनको प्रत्याहार तो मालूम नहीं है, प्रत्याहार छोड़ दीजिए, वहां नहीं चलते, पीछे आ जाइए, यम नियम का ज्ञान नहीं है, आसन करने वाले का यम नियम का ज्ञान नहीं है, सीधा ध्यान में चल जाता है, सीधा ध्यान में चल जाता है बहुत लोग। इसलिए अष्टांग योग अभी त्रयंग योग है। ये अष्टांग योग में समाधि, फिर कुछ मरने वाले को समाधि बना के रख के पूजा करते हैं, योग का समाधि, ये समाधि भाव तो अभी नहीं है, समाधि नहीं है अभी दुनिया में, धारणा का नाम भी नहीं सुने आप, प्रत्याहार का अनुष्ठान नहीं है। यम और नियम तो हम यम धर्म जैसा मानते हैं, डर के वो छोड़ दिए हम, इसलिए सब अभी नहीं है। अभी तो जीवित है ये अष्टांग योग में केवल आसन और प्राणायाम और ध्यान, ऐसा ये पूर्ण एक स्वरूप से एक वस्तु मात्र अलग करके करने से आपको बहुत तकलीफ हो जाता है। इसलिए जो केवल आसन करने वाले का शरीर में पीड़ा, केवल प्राणायाम करने के वाला श्वासकोशों में पीड़ा, और केवल ध्यान करने के वाला बुद्धि विभ्रम, ये सब हो जाता है। बहुत योग करने वाले में बहुत तकलीफ, तत्कालित शांति मिल जाती है, क्योंकि इसको परिवर्तन बोलते हैं, स्थान परिवर्तन। घर छोड़ के एक आदमी ने बताया, स्वामी हमारा घर छोड़ के आपका घर आके बैठे हमको बहुत प्रशांत है अभी हमारा दिल, उन्होंने बोला। मैंने बोला हम हमारा आश्रम छोड़ के तेरा घर आएंगे तो ऐसे ही होगा, क्योंकि खुद का घर में है कुछ निर्बंध होगा, कुछ काम होगा, कुछ कर्तव्य होगा, वो सब छोड़ के दूसरे वालों के घर में बैठेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये सब तो नहीं है। एक तत्कालिक या क्षणिक शांति या संतुष्टि मिलने में क्या है, वो निरंतर मिलने के लिए वो सब होना चाहिए। इसका एक प्रमाण हम दिखाते हैं, वो इसको क्या बोलते हैं, प्लवन बोलते हैं, वातर प्लवन बोलते हैं, जो विद्या कर रहे हैं, विचेष्टा विद्या बोलते हैं इसको, विचेष्टा कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं ऊपर, बहुत ऊपर खेल रहे हैं ना, वो खेलने वालों को बहुत कुछ अभ्यास है, खुद का अभ्यास है, और ग्रहण करने के लिए एक ग्रहण दंड दिए हैं और दूसरा एक परिवर्तन दंड दिए हैं, ये छोड़ देंगे तो पकड़ने के लिए दूसरा आदमी है, और ऊपर से यदि वो गिरेगा वहां एक संरक्षण कोष है, ये सबके साथ वो कर रहा है। केवल एक आकाश में नहीं तो उतनी दूर में उतनी ऊपर एक आदमी प्लवन मात्र कर रहा है, और कुछ पकड़ने के लिए अभ्यास नहीं है, दूसरा आदमी नहीं है, ग्रहण का दंड नहीं है, परिरक्षण के लिए कोष नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं है, इसके बिना वो प्लवन मात्र कर रहा है, उनको क्या मिलेगा? अपाय ही मिलेगा, उपाय कैसे मिलेगा? इसलिए जो ऊपर खेल रहा है और उससे ऊपर चलेगा वो। इसलिए जो आसन कर रहा है, आसन से जो जो विपत्ति है, आसन से जो जो अपाय हो सकता है, वो सबसे निवारण और सबसे संरक्षण करने वाला वो योग्यता तो यम और नियम में उपस्थित है। इसलिए यम नियम के साथ जो कर रहा है वो तो इसका आधार है, ये घर जानते हैं, इसको आधार नहीं तो नीचे चल जाता है। इसके ऊपर इसको क्या बोलते हैं, नीचे जो आधार बोलते हैं इसको हम विधान बोलते हैं, इसको हम भित्ति बोलते हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। ये सब नहीं तो फिर वर्षा आने के समय में, हवा आने के समय में कोई ना कुछ अपाय, नहीं तो चोर आ सकता है, कोई ना कुछ प्राकृतिक अपाय मिल सकता है, फिर नीचे सब गिर जाता है, भूकंप में सब चूर्ण चूर्ण हो जाता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आधार, विधान और भित्ति ये सब होना चाहिए। ऐसा एक आप आसन में बैठना चाहिए तो इसका सुरक्षण तो यम और नियम का आधार से मिल जाता है, प्राणायाम करने से इसका विधान होता है, प्रत्याकार और आचार अनुष्ठानों से हमारी वृद्धि होती है, इसलिए हम सुरक्षित आसन की सिद्धि हम लेते हैं। ऐसा प्राणायाम करने के समय में यम नियम और आसन सब होता है। प्राणायाम मात्र करने वाला बहुत है जिसको आसन का ज्ञान नहीं है, ध्यान करने वाला बहुत लोग बैठे ध्यान मात्र करते हैं, उसको प्राणायाम और ये आसन का ज्ञान नहीं है, और आसन जो कर रहे हैं वो ध्यान और प्राणायाम कर रहे हैं।
ध्यान मेरे दीर्घ ध्यान का लक्ष्य तो अलग है, इतनी सोना भी सोना है और इतना बोलेंगे तो वो सोना नहीं बोलते वो भी सोना है। इसलिए आप दो मिनट बैठते हैं वो भी ध्यान है, और दो साल बैठ के तुरंत ध्यान रखते हैं वो भी ध्यान है। शास्त्र में योग शास्त्र में जो ध्यान दिया है वो ध्यान तो अविच्छिन्न ध्यान तैल धारावत अविच्छिन्न ध्यान है, दीर्घ ध्यान है जिसमें साक्षात्कार होगा। इसलिए हम जो कर रहे हैं वो ध्यान की प्रवृत्ति है, वो तो ध्यान नहीं, क्योंकि ध्यान का फल तो नित्य है। यदि वो तो सापेक्ष होता है ध्यान करने के बाद और दूसरा ध्यान करना पड़ेगा, वो सापेक्ष मिलने के बाद वो कैसे नित्य हो सकता है, इसलिए वो अनित्य है। इसलिए हम जो कर रहे हैं वो सब प्रवृत्ति है, पहले प्रवृत्ति करेंगे, दूसरे तो हम प्रगति में चलेंगे, तीसरे हमको प्राप्ति मिलेगी। यह तो लक्ष्य है हमारा, गमन का लक्ष्य है प्रवृत्ति प्रगति और प्राप्ति। कैसे शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, प्रवृत्ति में शुरू करना है। इसलिए पहले दिन जब आप आए हैं उसी दिन प्राप्ति आपका हाथ में कोई भी नहीं दे सकते, वो दे सकते फिर भी आप नहीं ले सकते। स्वर्ण है ना ऐसा व्यापी भारस्तु भार एवच, एक आदमी इतनी बड़ा भार, ये शीशा का भार नहीं तो एक पाषाण का भार डालता है आपके ऊपर, अब मर जाएंगे। उतना चांदी या सोना डालता है फिर भी आप मर जाएंगे। इसलिए अनुग्रह हो निग्रह हो, यदि वो तो बहुत भार होता है आप उसको नहीं ले सकते। इसलिए निग्रह से आपको नाश होगा, अनुग्रह से भी नाश होगा यदि वो अनुग्रह आपका ग्रहण शक्ति से बहुत अतिरिक्त है, बहुत ऊपर है। इसलिए अनुग्रह भी बहुत कम कम लेना चाहिए, एक ही दिन में प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए प्रवृत्ति से शुरू कीजिए, प्रगति में चल जाइए और प्राप्ति आपके हाथ में खुद आपको ढूंढ के आकर आपका हाथ में वो बैठे। इसलिए ये तो शास्त्र का धर्म, इसलिए यम और नियम के बिना अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य बहुत कुछ सामान्य धर्म है। ये अनुष्ठान के बिना ये आसन में बैठ रहे हैं ये केवल शरीर विक्रिया है। इसलिए शास्त्र में बताया केवल शरीर स्वास्थ्यम, ऐसा एक अधिकार है, केवल शरीर स्वास्थ्य से तीन प्रकार का दोष हमको, वो पहला दोष स्थिरता नहीं है, केवल शरीर मात्र स्वास्थ्य होने से स्थिरता नहीं है, क्योंकि वो स्वास्थ्य 10-15 दिन रहेगा फिर मन का विकार से फिर अस्वस्थ हो जाते हैं आप, इसलिए स्थिरता नहीं मिलेगा और सगुणता नहीं मिलेगा। सगुणता मैंने क्या है, एक आदमी शरीर मात्र सब ठीक है, एक आदमी जो दीर्घ मूर्छा में मूर्छित है वो आदमी का स्वास्थ्य चलेगा और शरीर तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो बात कुछ भी नहीं करेगा, ध्यान कुछ भी नहीं रखेगा। यदि एक आदमी का जो मांस पर्वत बोलते हैं ना, मांस पर्वत जैसा एक आदमी का शरीर मात्र बहुत सुलक्षण है और भाव शुद्धि नहीं है, गुण पूर्ति नहीं है, उसे क्या प्रयोजन है। इसलिए केवल शरीर स्वास्थ्य में यदि मनोभाव नहीं है वो शरीर स्वास्थ्य आपको निरंतर नहीं होगा, वो पहला दोष। दूसरा तो केवल शरीर स्वास्थ्य होगा और मन की निर्मलता नहीं मिलेगी आपको। तीसरा तो उन्नति, आप ये स्थान में बैठे हैं इससे फिर दूसरे स्थान तीसरे स्थान ऐसे ऊपर चल जाना चाहिए ना। केवल शरीर स्वास्थ्य मात्र जो देखने वाले हैं उनको उन्नति में चलना है, दूसरे तीसरे स्थान में चलना बहुत मुश्किल है, वो नहीं चल सकते। सांडवर जी ठीक है छोड़ दीजिए, आप बैठिए, हम बोल के चल जाते। इसलिए स्वास्थ्य की अस्थिरता और गुणहीनता, गुणहीन हो जाता है, सिर्फ शरीर स्वस्थ होता है ऐसा पशु पक्षी प्राणी है, ऐसा शरीर स्वस्थ हो जाता है, फिर गुणों का प्रभाव नहीं होता है, वो तो असगुणता बोलते हैं, और उन्नति नहीं मिल जाती है। सिर्फ शरीर स्वास्थ्य तो जो देख रहा है उनको उन्नति नहीं होगी, मन और बुद्धि और आत्मा ऐसा उन्नति नहीं होगी। इसलिए केवल शरीर स्वास्थ्य तो हमेशा नहीं करना है। इसलिए योग शास्त्र में दो बहुत बड़ा रहस्य आपको जानकारी होना चाहिए, एक तो शेष भंगवाद, दूसरा तो साराशनवाद। एक आदमी ने पूछा, यदि स्वामी जी हम अभी ये मनुष्य शरीर से ऊपर दिव्य और अप्राकृत शरीर लेने के लिए योगाभ्यास कर रहे हैं, योगाभ्यास अभी ये मनुष्य शरीर में कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, ये मनुष्य स्थिति में एक अच्छा मनुष्य होना चाहिए, अति मनुष्य होना चाहिए,
और इसके ऊपर दिव्य होना चाहिए, अप्राकृत होना चाहिए, भगवान से प्रलीन होना चाहिए। इसलिए हम ऊपर जाने के लिए ही ये योगाभ्यास कर रहे हैं। उसमें ऐसा बिल्ली कुत्ता मोर ऐसा जो हमारे नीचे पदार्थ है उनकी चेष्टा को क्यों अनुवर्तन करना है? योगासन में आप जिसको देख रहे हैं उसको क्या है? एक महान का आसन है, एक ज्ञानी का आसन है, विद्वान का आसन है, पंडित का आसन है, हिसासन है, क्या मार्जरासन है, सशासन है, मृगासन है, धनुरासन है, है? ये सब तो मनुष्य से नीचे जो पदार्थों है वो पदार्थों की आकृति का ये तुल्य अनुवर्तन है ना। ये मार्जर तो बिल्ली है और मनुष्य तो बहुत बिल्ली से ऊपर है। इतने ऊपर आके और ऊपर जाने के लिए और हमारी स्थिति से नीचे जाके उसका अनुवर्तन क्यों करना है? इसको बहुत लोग इसको समाधान नहीं दे पाए। इसको शास्त्र में बताते हैं साराशन न्याय और शेष भंग न्याय। ये बहुत बड़ा मुख्य समाचार, इतने साल से आप जो पढ़ रहे हैं उसकी सफलता ये ज्ञान सा ही अभी हो रहा है आज। साराशन मैंने जैसे मनुष्य की शक्ति है और दुनिया में सर्वशक्ति है, इसको क्या बोलते हैं सर्वशक्ति, जिसमें मनुष्य की शक्ति बहुत कम है। मनुष्य को चैतन्य की शक्ति है। कुत्ता का जो ग्रहण शक्ति है वो मनुष्य के नहीं है, कुत्ता का जो ग्रहण शक्ति है वो मनुष्य के नहीं है, पतंगों का प्लवन शक्ति हमको नहीं है, और कमट और कच्छपों का जो जलांत प्रवण का शक्ति वो शक्ति हमको नहीं है। इसलिए आप दो प्रकार की शक्ति को जानकारी अभी करना चाहिए, लेना चाहिए। चैतन्य की शक्ति मनुष्य के पास है, बुद्धि की शक्ति मनुष्य के पास है, और बाकी मनुष्य से अलावा जो जो पदार्थों की सृष्टि भगवान ने किए हैं, चेतनों की सृष्टि, वो सब में एक एक प्रत्येक शक्ति है, उपस्थित है। उसको देख के ही मनुष्य का यंत्रण और विज्ञान बढ़ जाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको अनुवर्तन विद्या बोलते हैं संस्कृत में, और बायोमिमेटिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, विज्ञान में। ऐसा एक पतंग को देख के, वो पतंग का प्लवन प्रक्रिया को देख के ही ये विमान का परिकल्पना इन्हें की है। इसलिए समुद्र तरण में जो जो वस्तु दीक्षित है और लक्षित है वो वस्तुओं के शरीर आकार और प्रक्रिया का देख के ही ये नाव का सृष्टि की है। इसलिए सब शक्तियों को लेना और इसको प्रमाण रखना और इसका आधार पर कुछ वैज्ञानिक यंत्रों को बनाना तो मनुष्य की बुद्धि है, मनुष्य की चेतना है। इसलिए ही साराशन न्याय में बहुत प्रकार की शक्ति है, वो शक्ति का प्रतिमूल सब जानवरों में एक एक शक्ति का उपलक्ष्य है, उपस्थिति है। वहां हम वो रूप का अनुवर्तन करने के समय में वो रूप का जो गुण चेष्टा वो सब नहीं लेते हैं। इस आप जानते हैं हमारा राष्ट्र का चिन्ह, राष्ट्र का मृग, राष्ट्र का फूल, ये सब तो जानते हैं। इस तो साराशन बोलते हैं, इसमें सार मात्र हम ग्रहण करते हैं, सब चेष्टा नहीं ग्रहण करते हैं। इसलिए वो मार्जर का आसन करने से हम भी मिल जैसा दूध पीते हैं, नहीं तो वो चेष्टा जो कपटकूट चेष्टा ये सब करते हैं, इसका मतलब तो ये नहीं है। बिल्ली को तो दीर्घ दृष्टि है, जो तो बोलते हैं थिमिर दृष्टि बोलते हैं, जो थिमिर थिमिर जानते हैं ना आप, अंधकार, हाँ वो अंधकार में भी देखने की समर्थता और वो तक्षता बिल्ली को है। ऐसा दीर्घ दृष्टि की वो स्थार भूत जो शक्ति है, वो शक्ति मात्र हम उससे लेते हैं, वो योगासन से ही ऐसा ले सकते हैं। आप मधु है, मधु कैसे पुष्प से ले सकते हैं आप? वो फूल से लेके वो मधुकर ने एक पेटिका में रखेगी, वहां से आप ले सकते हैं। इसलिए वो बिल्ली का जो गुण है, वो तिमिर दर्शन का गुण, वो बिल्ली का स्मरण करने में या जप करने में नहीं होगा। बिल्ली का जप करेंगे तो आप बिल्ली हो जाएंगे दूसरा जन्म में, और सारा ग्रहण नहीं कर सकते। योगाभ्यास में यमनियम का अनुष्ठान में केवल तिमिर दर्शन या तो सूक्ष्म विवेचन का जो दृष्टि है वो शक्ति मात्र हम ले सकते हैं, उतना सामर्थ्य है। इसको साराशन न्याय बोलते हैं, जिसमें दुनिया में जितने प्रकार का जानवर है और वस्तु लाइक धनुष बाण ये सब तो वस्तु है, वस्तु भी हो पदार्थ भी हो जानवर भी हो पक्षी भी हो, जो जो हम देख के अनुवर्तन कर रहे हैं उसका सार मात्र जो विवेक गुण है, विशिष्ट गुण है, उसको मात्र ग्रहण करने की योग्यता ये योगासन में यम नियम पूर्वक योगासन में हमको मिल जाता है, इसलिए कर रहे हैं। पहला अर्थ शेष भंगवाद न्याय तो बहुत बड़ा विचार है। हमारा शरीर में जितने पाप किए हैं इसलिए हम अभी जो भावी जन्मों में जो जो शरीर हमको मिल जाता है
इसका निश्चय नहीं है कि मानुष्य शरीर हमको मिलेगा। जितने हमने अभी प्रारब्ध में संचित में और आगामी तो कर रहे हैं, इसके पहले संचित में बहुत करके रखे हैं, ये सबसे निश्चित नहीं है कि ऐसा मानव शरीर हमको फिर मिलेगा। इसलिए जो जो हमारा पाप दृष्टि और पाप प्रक्रिया से जानवर होने के लिए, बिल्ली होने के लिए, बहुत प्रकार पक्षी होने के लिए, जो जो सूक्ष्म संस्कार हमारा अंतर्गत है, वो सबको निकालने के लिए वो रूप का अनुवर्तन करते हैं, वो तो शेष भंगवाद। ऐसा एक आदमी आदमी होने के लिए पहले एक आदमी क्या होना चाहिए? आदमी मनुष्य होना चाहिए, फिर तो अति मनुष्य होना चाहिए, फिर तो दिव्य होना चाहिए, फिर तो अप्राकृत होना चाहिए। इसलिए एक आदमी ऊपर जाने के लिए नीचे जो जो हम ऋण रखे हैं वो सब हमको बहुत बड़ा रुकावट है। वो ऋण सब निकालने के लिए 10-15 हजारों सा जन्म लेके वो शरीर से इसकी अनुभूति से उसको निकालना है। परंतु योग शास्त्र में यम नियम की दृष्टि में हम यदि करेंगे तो एक छोटा सा 10-15 मिनट का आसन की आसक्तियों से बहुत जन्म में जो अनुभवितव्य अस्माकम वो कर्तव्य है, वो सब इसी आसन से हम निकल के तुरंत हम ऊपर चल जाते हैं। इसलिए मानुष होने के लिए अमानुष नहीं होना चाहिए। अमानुष मैंने जो मानुष नहीं, वो तो सुर नर त्रियक स्थावर बोलते हैं ना, चार प्रकार का जन्म, ऐसा त्रियक और स्थावर तो मनुष्य से नीचे है। मनुष्य से नीचे नहीं होना चाहिए ऊपर जाने के लिए, मनुष्य होने के लिए भी नीचे नहीं होना चाहिए। नीचे होने के लिए जो जो काम किए हैं उसको निकाल के ही हम मनुष्य रहना चाहिए, फिर उसके ऊपर चलना चाहिए। वो सब निकालने के लिए, पूर्ण मनुष्य होने के लिए जो जो संस्कार वासना शेष है हमारा पूर्व जन्म और यह जन्म में जो जो किए हैं, वो वासना सब निकालने के लिए उसका रूप का अनुष्ठान स्मृति पूर्वक कर से वो निकाल के फिर प्राणायाम ध्यान धारणा में हम ऊपर ऊपर चलते रहते हैं। इसलिए शेष भंग न्याय और साराशन न्याय इसको शास्त्र में बोलते हैं। बहुत बड़ा विषय है ये सब लिखना चाहिए। इसका मूल मंत्र भी और एक दिन बताएंगे, नहीं तो अभी ये खत्म करके 10 मिनट में हम बता देंगे। साराशन न्याय, सार ग्रहण करने के लिए, और शेष भंगवाद मैंने जो शेष है हमारा पूर्व कर्मों का, वो शेष को निकाल के भंग करके स्थिरता होने के लिए, फिर शनि शनि धीरे धीरे ऊपर जाने के लिए ये एक अभ्यास है। मैंने शास्त्र में इसको उन्हें दिए है। फिर हम प्राणायाम को आते हैं। अभी ये दोनों आसन, आसन में हम कुछ समझ लिए आसन का लक्षण, और प्राणायाम में आते हैं। प्राणायाम में पंचवाद है, प्राणान्नवाद, प्राणायुर्वाद, प्राण शक्तिर्वाद, प्राण दृष्टिर्वाद, प्राण सिद्धिर्वाद। ये तो 5 प्रकार का वाद है प्राण शक्ति में। प्राणान्नवाद इसका अर्थ यह है कि प्राण आपका पहला अन्न है, इसलिए आप अभी समझ कर, अभी आपको समझना है कि प्राण आपका पहला अन्न है। लेकिन हम लोग क्या मान रहे हैं, अभी हम तो अन्न खाते हैं दृढ़ रूप में और जल पीते हैं और प्राण कुछ ये रक्त संचारण में कुछ सहकारी है, ऐसा नहीं है। हमारा प्रथम अन्न तो प्राण है, इसलिए हम बहुत प्राण लेना है, उससे कुछ कम जल लेना है, उससे बहुत कम ही अन्न लेना है। वह प्रक्रिया तो अभी हम भूल गए हैं, जिसलिए बहुत अन्न लेते हैं, बहुत कम जल लेते हैं और प्राण तो इतना ही लेते हैं। इसको बोलते हैं क्या, नाशिकादि कंठांत, नाशिकादि हृदंत, नाशिकादि नाभ्यंत है, फुस्वास्तो नाशिकादि नाभ्यंत, मध्यम श्वास नाशिकादि हृदंत, अतम स्वास्थ्य नाशिकादि कंठंत। सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। और यदि एक वातावरण में कोई ना कोई बोलेगा तो हाँ प्राण भरो बोलेंगे तो फिर तभी हम बहुत लेते हैं, लेकिन हमारा सरल सहज स्थिति में वो आना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसलिए प्राण तो हमारा अन्न है, जो प्राण का अन्न का स्वीकार ज्यादा नहीं करेगा उसको अन्न को जीर्ण करने के लिए अयोग्यता आ जाएगी, जिसलिए अभी तो मधुमेह अजीर्ण ऐसा बहुत व्याधि हो जाती है और स्वप्नहीन होता है। बहुत लोग तो बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं, हिस्टीरिया होते हैं ना, क्रुद्ध हो जाते हैं, ये सब बहुत कुछ बीमारी। ये प्राण आहार का लक्षीकरण तो हम बहुत भूल गए हैं, इसको प्राणान्न न्याय बोलते हैं। प्राण तो अपना पहला अन्न है। जितने आप बहुत बहुत रंगों का रुचि गृहित प्रकारों का अन्न से आप पूरी कर रहे हैं, वो सब उतना प्राण से पूरी करना चाहिए। जितना प्राण अभी लेते हैं, लेते रहते हैं, उतना ही अन्न लेना चाहिए। अभी तो हम विपरीत में हैं, वो तो प्राणान न्याय, और दूसरा तो प्राण आयुर न्याय। वो तो क्या,
जितना प्राण आप लेते हैं आयुर्वृद्धि भी ऐसी होगी। इसको बहुत प्रमाण है कि जो 100 साल और 150 साल 250 साल जो जीवित है ये सब बहुत कुछ है ना। कच्छप का आयु तो बहुत अधिक है, 150 साल है, 150 साल ऐसा आप जानते हैं। बहुत ये मत्स्यों हैं बृहताकार, तिमिंगल बोलते हैं, तिमी को गिलन करने वाला तिमिंगल, वो तिमिंगलों की आयु आप देखेंगे तो 200 साल 250 साल तक क्यों रख सकते हैं। और जो इतना दीर्घ आयुष, हम तो बोलते हैं दीर्घ आयु, ऐसा स्तोत्र में बोलते हैं सुनते हैं, दीर्घ आयु कौन देख रहा है, कौन अनुभव कर रहा है। और जो दीर्घ आयु के साथ जो अति लंबित आयुष के साथ जो तो जानवर है, पक्षी है, जो कुछ प्राणी है, उसका स्वास्थ्य तो बहुत मंद है। इसका जो अभी नियम से आप जो बोल रहे हैं अभी ये करो पूरा करो रेचक करो कुंभक करो, अब तो नियम से बोल रहे हैं, वो सबको कौन बोलने वाला है ये करो ये नहीं करो, कौन बोल रहा है। वो तो स्वभाव जनित है, शरीर सहज और स्वभाव जनित प्राण से वो आयुष तो उतना ज्यादा है। इसलिए हमारा आयु भी इसे ज्योतिष शास्त्र में 120 साल दिया है और वेद में 100 साल दिया है। और बहुत लोग 200 साल तक भी जिन्हें वो महापुरुष है जिसको आयु का लक्ष्य भी नहीं है, ऐसा बहुत कुछ अभी देख रहे हैं ना। इसलिए प्राण आयु न्याय तो जितने ज्यादा आप प्राण शक्ति आप रखते हैं और लेते हैं और देते भी, ये तीन प्रक्रिया से आपको आयुर्वर्धन ही होगा। ये तो प्राण आयु न्याय और तीसरा तो प्राण शक्ति न्याय, इसको बोलते हैं शरीर में अंग्रेजी में नहीं तो विज्ञान में बोलते हैं होमियोस्टेसिस। शरीर में जो बीमारी होती है वो बीमारी का औषध भी शरीर का अंतर्गत है, जैसे व्याधि अंतर्गत है वो औषध भी दवाई भी अंतर्गत है, बाहर से नहीं लेना। जिसको ये अंतर्गत दवाई से काम नहीं आता है उसकी सहाय के लिए बाहर से दवाई लेना पड़ेगा, जिसको ये शक्ति नहीं है उसके लिए ही बाहर से दवाई, वो तो विज्ञान में होमियोस्टेसिस बोलते हैं। और आंतरिक शक्ति नहीं तो ऊर्जस बोलते हैं संस्कृत में, ऊर्जस ऊर्ज बोलते हैं ना, वो तो शरीर की ऊर्जस, वो ऊर्जस का एक और दूसरा नाम भी है उसको ओजस बोलते हैं। हाँ ओजस माने दीर्घायु और व्याधियों से विमुक्ति और स्थिरता, धैर्य गांधीर्य क्रिया उत्साह, ये सबसे समन्वित एक शक्ति को क्या बोलते हैं, ओजस बोलते हैं। इसलिए इसको प्राण शक्ति न्याय बोलते हैं। इसलिए प्राण तो शक्ति है, आप शरीर में कुछ ठीक करने के लिए, शरीर को चलाने के लिए मात्र प्राण नहीं है, शरीर में यदि कुछ विक्रिया होगी वो सबसे निवारण करने के लिए, जो भी हो बीमारी वो सबसे विमोचन के लिए वही प्राण को उस जगह पर आप भेजेंगे। तो एक विचित्र संयमा और निर्देश प्रक्रिया बोलते हैं, एक जगह को भेजने को क्या बोलते हैं, निर्देश। इसलिए निर्देश शक्ति से उसी प्राण को, इसके लिए प्रक्रिया है जिसको वहां भेजेंगे तो वो व्याधि से विमोचन होगा हमको। इसलिए वो तो प्राण शक्ति न्याय बोलते हैं। प्राण दृष्टि न्याय बहुत लोग नहीं जानते हैं, स्वर ज्योतिष नाम में एक ज्योतिष है उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है ऐसा। ये तो ईडा पिंगला है और सूर्य और चंद्र कला है, ये कला में जो संचारण हो रहा है एक आदमी को सामने बिठाना है और वो स्वर संचार के अनुसार इसको जो भूत और वर्तमान और भविष्य सब कुछ बता सकते हैं, वो तो प्राण दृष्टि है, प्राण से दर्शन करना। प्राण तो केवल एक शक्ति अंतर्गत शक्ति मात्र नहीं है, वो तो एक विशिष्टाक्ष है, विशिष्टाक्ष मैंने वो तो एक शक्ति समन्वित दीर्घ शक्ति समन्वित एक आंख है जिससे ये आंखों से जो जो दृष्टिगोचर नहीं है वो सूक्ष्म आघात मर्म वस्तुओं का उद्घाटन वो आंखों से दृष्टि से हमको मिलेगा। इसलिए उसको प्राण दृष्टि बोलते हैं, प्राण दृष्टि न्याय बोलते हैं। और प्राण सिद्धि न्याय मैंने प्राण को एक आदमी टोटली तुरंत रुक सकता है जिससे अंतः प्राण संचारण से आप जानते हैं देवलोक में जो देवगण है वो तो श्वास संचार नहीं करने वाला है, उसका अंतः संचरण है, श्वास का अंतः संचरण बोल अंग्रेजी में बोलते हैं ना इंटरनल रेस्पिरेशन। ऐसा अंतः संचरण में वो सब जीवन जलाने वाले हैं, उसको ये सब बाह्य संचालन नहीं चाहिए। और प्राण शक्ति से गगन मार्ग में यात्रा करना चाहते हैं, जो कुछ चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसलिए वो प्राण सिद्धि में गगन संचारण, देह समाधि, जीव समाधि, देह यात्रा, आदेह आत्म यात्रा, परदेह प्रवेश, परदेह निर्देश, युगपत सन्निधि, ऐसा बहुत प्रकारों की सिद्धि हमको मिल सकता है। वो तो प्राण सिद्धि, प्राण में इतने समाचार है, ये सब प्राण का। और ध्यान करने के लिए चार योग्यता नहीं तो चार मार्ग हमको जानकारी होना चाहिए, वो चार स्तंभ बोलते हैं इसको। पहले तो आहार,
आहार नियति, क्योंकि आप जानते हैं रत्न त्रय बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं रत्न त्रय, मैंने दूसरा नाम तो त्रिरत्न, ऐसा तीन मिलके ही होना चाहिए, वो क्या क्या, योगाभ्यास, प्रकृति आहार और प्रक्रिया, प्रक्रिया मैंने सदाचार, एक अच्छा आचार होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, और सदाचार के बिना सिर्फ योग मात्र जो कर रहे हैं उनको कुछ भी काम नहीं होगा। योग करने के समय तो आधा घंटे, वो आधा घंटे में आप बैठ के योग करते हैं, और बाकी जो 24 घंटे में जो बाकी है उस समय सब अयोग करके है, फिर योग का फल कैसे होगा आपको इसलिए वो आधा घंटे में जो कर रहे हैं उसका अनुकूल काम ही वो दिन में पूरा करना चाहिए, और वो बैठने के समय में मात्र आप एक अच्छा बच्चा बन जाते हैं, फिर आधा घंटे में कुछ न कुछ पूजन स्तवन भोजन ध्यान ये सब तो कर जाते हैं, फिर बाकी समय में इसका प्रतिकूल विरुद्ध काम कर जाते हैं, फिर क्या मिलेगा? जो आप ज्यादा करते हैं उसका फल मिलेगा, जो आप बहुत कम करते हैं उसका फल मिलेगा, इसलिए बोलते हैं तप्त भांड कहता बिंदु जला। आप जानते हैं एक बहुत बड़ी थाली है जो आग में रखा हुआ है, वो बहुत उष्ण होने के बाद एक बिंदु का जल डालते हैं, वो क्या होगा तुरंत वो तो वात होगा, वात होके ऊपर चल जाएगा वो बाष्प हो जाएगा नहीं। इसलिए हम इतना पाप कर रहे हैं, प्रतिकूल काम कर रहे हैं, इतना प्रतिकूल काम में हम जो छोटा सा एक भक्ति या पूजन या योग अभ्यास कर रहे हैं वो सब तप्त भान तक था बिंदु जल, वो सब बाष्प हो जाएगा। फिर तो भी भगवान हमारे ऊपर बहुत प्रीति और कृपा रख के हम हमको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। हम ऐसा सोचना नहीं है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं और भगवान बहुत कम दे रहा है, बहुत कर रहे हैं प्रतिकूल रूप में, फिर भी वो हमारी वो जो प्रेम है वो तो अपूर्ण है, भगवान तो पूर्ण रूप है, फिर भी बहुत क्या बोलते हैं इसको अघात निरवधिक निष्कलंग परम प्रेमा से भगवान ने जो दे रहे हैं उनकी दया से ही वो तो दे रहा है, इसलिए त्रिरत्न होना चाहिए। योगाभ्यास में आप सुनिए एक हम बताते हैं, इसलिए आज सुबह में बताया भगवद गीता में 100 श्लोक कंठस्थ करने के लिए जो मेधा आपको चाहिए, मन की शक्ति चाहिए, एक आदमी के पास घुसा होके 5 निमिष उनके ऊपर हम विरुद्ध का प्रवाह करते हैं, एक आदमी के ऊपर घुसा से हम परुष वचन का प्रवाह करते हैं 5 मिनट, उसके लिए जितनी शक्ति आप निकलते हैं उसी शक्ति से 100 श्लोक का कंठस्थ कर सकते हैं भगवद गीता को, इतना व्रय हम कर रहे हैं, जो ये सब अयुक्त कार्यों में जितना व्रय कर रहे हैं उसको एक सुयुक्त संयुक्त कार्य में प्रयोग करेंगे तो बहुत लाभ हमको होगा। इसलिए आप बोलते हैं अभी तेल लेते हैं, आप ये मिर्ची लेते हैं, एक समाचार में बोलूंगा, आप 10 महीने का एक अनुष्ठान करते हैं जब तब एक प्यास से एक प्यास खंड से वो 10 महीने का सब फल विनाश हो सकता है, एक प्यास और एक लहसुन से, और जितने मन आप ऊपर लेते हैं ये हरा वाला मिर्ची और ये लाल वाला मिर्ची ये दोनों तो भाई भाई हैं, ये दोनों मिलके आपको नीचे ही गिरा दे, ये जो ये काली मिर्ची है वो तो उतना दोष नहीं, इसलिए प्राकृतिक आहार हम तो सत्य बोलना ही चाहिए ना, पूर्ण फल मिलने के लिए आपका आचार अनुगुण होना चाहिए, आहार अनुगुण होना चाहिए और योग का आसन अनुगुण चाहिए, इसलिए योग और आपका प्राकृतिक आहार और आपका आचार ये तीन तो रत्न त्रय बोलते हैं, जिसको आचरण तो दूसरा प्रकार है और आहार तो दूसरा प्रकार, जो तो तैल निमग्न आहार है, जो तो मिर्ची और बहुत रसों से विरसों से जो मिलित है ऐसा आहार करने में और योग करने में क्या फायदा है, फल तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि एक घंटे 2 घंटे योग करके आप इतने मिर्ची से ये कुछ ना कुछ आप बाहर तो बहुत मिल जाता है ना, नाम भी हमको याद में नहीं रहता है, बहुत बहुत विभिन्न नाम और रूप से बहुत मिलता है, वो सब कहेंगे तो क्या होगा, इसलिए आज से उसको कम करना चाहिए, जो तैल निमग्न है, जो विरस मिलित है, जो पर्यूषित है, कल बना के आज रखना है, 10 साल के पहले बना के अभी वो सब वो बर्तन में इसको सील करके वो सब भेज रहे हैं, उसका काल विकाल हुआ अकाल हुआ किसको मालूम है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है किसको मालूम है, इसलिए जो सात्विक आहार है सात्विक दृष्टि से बनाया है आपको जो प्रियतम है वो बनाए, लेकिन भगवान का प्रसाद है, नहीं तो कुछ आचार्य का प्रसाद है, नहीं तो भक्तों का प्रसाद है, ऐसा मिलने से सात्विक गुण की वृद्धि हो सकती है, इसलिए रत्न त्रय में योग में सिर्फ दशांश है, दशांश है,
और 90% हमारा आहार और आचार में है। इसलिए ये तो हम देखना चाहिए। इसलिए आहार और आचार, आसन और आयाम, ये चार होना चाहिए, चार स्तंभ। आहार तो बोल दिए, आचार तो बोल दिए, आसन तो आप जानते हैं, आयाम तो प्राणायाम। इसलिए जो ये रसन को नियंत्रण कर सकता है वो तो आहार है, जो ये मन को नियंत्रण, ये बंदर को नियंत्रण कर सकता है वो तो आचार है, जो ये शरीर को नियंत्रण कर सकता है वो तो आसन है, ये प्राण को आचरण नियंत्रण कर सकता है वो तो आयाम है। इसलिए आहार, आचार, आसन, आयाम, ये चारों स्तंभों से जो समन्वित है उसको ही ध्यान सिद्धि मिलेगी। नहीं तो वो ध्यान, ध्यान का ध्यान से वो बहुत दूर है। नहीं तो इसलिए ये प्राण का, प्राण के बारे में कुछ बताएं और ध्यान के बारे में अभी कुछ बताएं। आप जानते हैं कि बहुत काम हम कर रहे हैं, इसको हम प्रकार पंचक बोलते हैं, प्रकार पंचक बोलते हैं इसको शास्त्र में बोलते हैं, चेष्टा, विचेष्टा, क्रिया, क्रीडा, अभ्यास। आप आते जाते, बैठते, सोते, उठते रहते हैं, जिसमें आपका शरीर का सब अंगों का चलन होगा। चलन हो रहा है? नहीं, वो सब चेष्टा है। इसको क्या बोलते हैं? चेष्टा। ऐसा आने के समय, जाने के समय में शरीर का वो स्वाभाविक चलन को चेष्टा बोलते हैं, और नाट्य शास्त्र में विचेष्टा बोलते हैं। एक अलंकार के साथ वही चेष्टा आप कर रहे हैं। एक आदमी ने पूछा, स्वामी जी क्यों ऐसे बैठ के ऐसा रखना, ऐसा रखना, ऐसा रखना, ऊपर देखना, नीचे रखना, सिर को नीचे रखे, पांव को ऊपर दिखाना, ये क्यों करना है? और मैंने बोला, आप तुम चेष्टा में बहुत कुछ कर रहे हो। ऐसा पानी भराने के समय में, कुछ लेने के समय में, ऐसा कोई गिरेगा तो उसको पकड़ने के लिए नीचे आ जाते हैं, कुछ वस्तु ऊपर से लेने के लिए हम कुछ ऊपर हो जाते हैं, ऐसा बहुत कुछ करते हैं, वो तो चेष्टा। उससे आपको पूर्ण समन्वय नहीं होगा, नंबर वन। दूसरा तो ये विषय है विचेष्टा, नाट्य करने के समय में देखते हैं, ये पांव का नर्धन, नयनों का नर्धन, और अभिनय से, हाथ अंगुली से, बहुत प्रकार तो दिखाती है वो, और फिर भी इसका पूर्ण रूप में इसको परिणाम नहीं होगा, पूर्ण प्रदर्शन नहीं होगा। तीसरा तो क्रिया है, क्रिया में ना आपका काम, ये काम करने के समय में एक आदमी है वो तो भार छोड़ने वाला, एक आदमी है गाड़ी चलाने वाला, एक काम से शरीर की कुछ चेष्टा होती है, उससे भी पूर्ण नहीं होगा। इसलिए एक एक भाग ही होगा, वो सब आपूर्ति है, क्योंकि एक ही दृष्टि में वो करता है, एक ही काम करता है, बैठ के काम करता है, इसलिए वो पूर्ण विभाग नहीं होगा। क्रीडा, क्रीडा में बहुत लोग, बच्चे लोग अभी तो माँ बाप लोग कहाँ भेजते हैं बच्चे लोग को, योगाभ्यास के नहीं भेजते हैं वो सब ये कंदुक क्रीडा, विशिष्ट कंदुक और लघु कंदुक और महाकंदुक, ये सब बहुत है ना अंग्रेजी में, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस बॉल सब कुछ बोलते हैं, ये सब क्रीड़ाओं में वो सब बहुत निमग्न हो जाते हैं। और क्रीड़ाओं में भी एक प्रकार का चालन और चलन ही होगा, सब पूर्ण शरीर का विकास नहीं होगा। इसलिए यदि पूर्ण शरीर का विकास नहीं है वो तो विकास नहीं है, वो विकास को, अल्प विकास को विकार बोलते हैं। इसलिए जो विकास पूर्ण नहीं है वो विकास तो विकार। इसलिए अभी सब लोग मिलके एक शरीराभ्यास, देहाभ्यास समिति को जाते हैं, देहाभ्यास समिति जानते हैं, हम तो अंग्रेजी में ज्यादा नहीं बोलना चाहते, देहाभ्यास समिति मैंने, दैट इज बॉडी बिल्डिंग और जिम्नास्टिक्स, हाँ देहाभ्यास समिति, वो संघ में जाके वो बहुत बड़ा भार लेते हैं, बहुत प्रकार का विभिन्न विकार चेष्टा वो तो कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा अपाय है, वो शरीर का अनन्य रूप है। पहला अनन्य रूप, ऐसा शरीर को बढ़ाने के समय में केवल मांस वृद्धि वहां होगी, मन तो समल हो जाता है, मन तो समल हो जाता है, क्योंकि एक लक्ष्य है, एक परिमिति है, वो परिमिति से अतीत यदि मांस की वृद्धि होती है वो मन में विकार आ जाता है, वो तो पहला दोष। दूसरा दोष तो आप जानते हैं, यदि एक आदमी करते रहता है फिर एक दिन तो छोड़ जाता है, फिर बहुत नीचे में हो जाएगा, जो करते रहता है और कुछ असंभावित संदर्भों से छोड़ जाता है फिर उसको बहुत बड़ा तकलीफ आ जाएगा। और तीन, जो जो बहुत देहाभ्यास कर रहे हैं उनको पक्षवाद, पार्श्ववाद होगा, बहुत जो करने वाले हैं उनको कुछ अधिक उम्र में बहुत रोमांच देखिए, उनको कुछ यदि मुखवाद नहीं तो पार्श्ववाद, एकांगवाद, कुछ ना कुछ होगा, वो तो अनिवार्य है। इसलिए केवल देहाभ्यास वो तो राक्षसाभ्यास है,
इसलिए भगवान को मन में रख के आनंद का अनुभव करना वो देवताभ्यास है। शरीर का योग आसन इससे करना मानुष नहीं तो सिद्धाभ्यास है। और ऐसा भार सब भर के बहुत प्रयत्न से कठिन यत्न से करना देहाभ्यास करना राक्षसाभ्यास है। इसलिए सबसे उत्तम उपाय है योगाभ्यास। इसलिए आपकी चेष्टा में जो कर रहे हैं वो सब अपूर्ण है, विचेष्टा में नाट्य आदि प्रक्रिया में कर रहे हैं वो अपूर्ण है, और आपका जो क्रिया जो बोलते हैं आपका काम में जो जो कर रहे हैं चलन चालन वो सब अपूर्ण है। आप क्रीड़ा के लिए बच्चों लोगों को भेजते हैं, बहुत लोग ये हसीना के साथ जितने खेल रहे हैं वो भी अपूर्ण प्रक्रिया है, और देहाभ्यास जो जो कर रहे हैं वो अपूर्ण मात्र नहीं है, अपाय प्रक्रिया भी है। इसलिए उपाय प्रक्रिया, उत्तम प्रक्रिया, उन्नत प्रक्रिया देहाभ्यास हमारी योग संप्रदाय की प्रवृत्ति में ही होगी, इसलिए सब उसका अनुवर्तन करना है। इसलिए वहां ये व्याख्यान में हम ये समाधान उनको दिए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अवस्था पंचक नहीं तो प्रकार पंचक बोलते हैं। ये योग रूप में ऐसा एक स्थिति में रखने के समय में क्या होता है, पद्मासन, मूलासन, वज्रासन, कुदपादासन, पश्चिमोत्तासन, उत्तमोत्तासन, धनुरासन, मकरासन, कुंभासन, ये सब रखने के समय में शरीर में क्या हो सकता है, उसको फल चतुष्टय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फल चतुष्टय। चार प्रकार की प्रगति शरीर में होता है, मार्गोद्घाटनम, मार्ग उद्घाटनम, मार्गोद्घाटनम, ग्रंथिमोचनम, चालनम, ऊर्ज तेजो वृद्धि। ऐसा चार प्रकार की प्रगति हमको मिल जाती है। मार्गोद्घाटन मैंने हमारी जो स्थूल शरीर है आप जानते हैं शरीर विज्ञान एनाटॉमी बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर विज्ञान को माइक्रो एनाटॉमी बोलते हैं, नहीं तो सटल बॉडी फिजिक्स। वो सूक्ष्म देह विज्ञान में अभी हम तो देख रहे हैं ये रुधिर कोश, ये श्वास कोश, ये तो जीर्ण कोश, ये मल कोश और रक्तनाल, ऐसे बहुत कुछ बताते हैं। वैसे तो हम तो सूक्ष्म में क्या बताएंगे, ये तो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, खनाखत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, इटा, पिंगला, सुषुम्ना, मेरु मूला, मेरु दंडा, ये सब मनोमणि, आज्ञा, ये सब तो बहुत नामों से बोलते हैं। ये सब सूक्ष्म शरीर शास्त्र, ये शास्त्र में बहुत मार्ग है, आपका उपयोग के बिना वो मार्ग सब बद्ध है। एक अच्छा रास्ता है जिसमें शक्ति प्रवाह हो सकती है, लेकिन वो मार्ग तो अभी बद्ध है, क्यों आप नहीं जानते, उपयोग नहीं किए हैं। ऐसा एक वज्रासन में कुछ न कुछ आसन हो, उसमें बैठने के समय में वो मार्ग उद्घाटन होता है। आप जानते हैं कि एक आदमी एक संस्था में काम कर रहा है, यदि एक आदमी से उनको 1,000 रुपया मिल जाता है महीने के लिए, जितने आदमी लोग अधिक मिलता है उतना उनको पैसा ज्यादा कमा सकता है ना। ऐसा हमारे शरीर में बहुत ऊर्जा का नाल है, लक्ष लक्षों से अधिक नाल है, जिसमें हम कम से कम 200-300 का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए उसी भाव से हम एक आसन पर बैठेंगे तो तब हमारा शरीर के अंतर्गत जो मर्म नाल है उसका उद्घाटन हो सकता है, वो तो मार्गोद्घाटन। और अनुपयोग से, उपयोग के बिना हमारे शरीर में बहुत प्रकार में, ऐसा आपका घर में जो जलधारा है, जल गति है, पाकशाला में जल गति होगी, उसमें उपयोग नहीं करेंगे तो उसमें सब कश्मल होगा, फिर कश्मल या ग्रंथि होकर फिर उस समय में पानी उसके द्वारा नहीं हो सकता है, चल सकता नहीं। वैसे भी हमारे शरीर में उपयोग के बिना, अनुपयोग से नहीं तो कुप्रयोग से बहुत कश्मल मिलकर ग्रंथि हो सकता है। ये शरीर का जो शक्ति मार्ग है वो शक्ति मार्ग में ग्रंथि मिल जाता है, वो ग्रंथि से विमोचन होगा ये योगासन करने से, नया मार्गों का उद्घाटन। जो मार्ग था वो मार्ग में अभी कश्मल से वो बंधित है, वो ग्रंथियों से विमोचन होगा। और तीसरा तो चालन, जहां शक्ति का स्थिति है, शक्ति तो उपलब्ध है लेकिन वो शक्ति तो नहीं चलती है। आप जानते हैं कुछ ना कुछ होगा तो वो पानी नहीं चलेगा, फिर उसमें कुछ ना कुछ होगा वो द्वार को आप निकाल के शुद्ध कर देंगे तो वो फिर पानी चलेगा। वो ग्रंथि से विमोचन, और जो स्थगित शक्ति है, स्थगन पूर्वक शक्ति है, वो स्थगित शक्ति को चालन। ऐसा चक्र है, बहुत चक्र है मेरे शरीर के अंतर्गत, वो बहुत बड़ा मुख्य चक्र तो अभी षट चक्र हमने बताया, इससे अलावा बहुत चक्रों का न्यास है शास्त्र में दिया है। वो सब तो मंद गति में चलती है, नहीं तो अवम गति में, अनुलोम गति में चल रही है। इसको संचालन करने में योग स्थान हमको बहुत उपयोग करता है। और ऐसा नया मार्गों का उद्घाटन,
जो रुकावट है ग्रंथि उससे विमोचन, और जो स्थगित शक्ति है उसका संचालन और प्रेरण, ये सब करने में शरीर में ऊर्जा और ओजस होता है। ओजस तो तेजस हो जाता है। यदि आपका बल शरीर के अंतर्गत है उसको हम ओजस बोलते हैं। यदि वो ओजस दिव्य कांति से दूसरे लोग देख सकते हैं उसको तेजस बोलते हैं। इसलिए अदृश्य शक्ति को ओजस बोलते हैं। यदि वो अदृश्य शक्ति दृष्टिगोचर हो जाती है वो शक्ति को हम तेजस बोलते हैं। इसलिए बाह्यगत शक्ति को तेजस और अंतर्गत शक्ति को ओजस बोलते हैं। वो ऊर्जस की वृद्धि ये सब योगाभ्यास से हो सकता है। इसलिए योगाभ्यास से ग्रंथियों से विमोचन, मार्गों का उद्घाटन और दिव्य शक्ति और चक्रों का संचालन, जिससे ऊर्जा उत्पत्ति, ऊर्जा से ओजो उत्पत्ति, ओजो उत्पत्ति से तेजोत्पत्ति, ये सब इसको क्या बोलते हैं, फल चतुष्टयम। ये बहुत योगाभ्यास करने से ये फल हमको मिल जाता है। और शरीर के लिए भी बहुत रोग मिल जाता है ना शरीर में, जितने बीमारी है, नया नया बीमारी, जितने दवाई वो आविष्कार कर सकते हैं उससे 10 गुना अधिक बीमारी आ जाता है। यदि एक दवाई वो लेते हैं निकलते हैं फिर 10 बीमारी नया बीमारी आ जाती है। इसलिए यदि एक प्रतियोगिता दृष्टि से देखेंगे दवाई ज्यादा है बीमारी ज्यादा, बीमारी तो ज्यादा है दवाई बहुत कम है, इसलिए नए नए रूप में वो तो आते जाते रहता है। वो सब व्याधियों का मूल क्या बोलते हैं, नियमोल्लंघनम। जिस नियम पर आधारित आपका जीवन होना चाहिए वो नियम से आप अतिक्रमण कर दिए, नियम उल्लंघन से व्याधि है। हम अभी नहीं किए हैं, इसको पहले ही किया होगा, इसलिए वो जन्मांतर होगा, नहीं तो जन्मांतरगत होगा। इसलिए नियम उल्लंघन, मनोविकार शास्त्र में बोलते हैं और होम्योपैथी और आयुर्वेद में बोलते हैं, मन विकार से व्याधि बढ़ जाती है और मन निर्विकार से दवाई की शक्ति बढ़ जाती है। निर्विकार मन से दवाई की शक्ति बढ़ जाती है, सविकार मन से व्याधि की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए मन तो एक बहुत उपलक्षित और संरक्षित वस्तु है। मन का ज्ञान के बिना परिपूर्ण स्वास्थ्य की संपत्ति तो असंभव है। इसलिए दूसरा तो मन विकार, तीसरा तो प्रदूषण, प्रदूषण से बहुत व्याधि है। और विपत संजात और विपत जात, विपत से जो जो मिल रहा है वो तो विपत जात, परंपरागत वो परंपरा से जो आ रहा है, और व्यागत दूसरे एक आदमी है पड़ोसी उनसे जो आया वो तो व्यागत। इसलिए व्यागत परंपरागत प्रदूषण से और हमारा नियमों उल्लंघन से मन विकार से, ये 6 प्रकार का व्याधि मूल है। इसलिए जो क्रूर व्याधि बोलते हैं, घोर व्याधि बोलते हैं, स्थिर व्याधि बोलते हैं, आवृत व्याधि बोलते हैं, व्याप्त व्याधि बोलते हैं, व्याधि में 5 प्रकार की व्याधि, जो व्याधि धीरे धीरे उनको मारेगी वो व्याधि को हम क्रूर व्याधि बोलते हैं। जो व्याधि एक आदमी का लक्षण को अपलक्षण करेगी उसको हम घोर व्याधि बोलते हैं, वो आदमी को नहीं देख सकते घोर व्याधि बोलते हैं। जो व्याधि बहुत प्रेम से वो शरीर में बैठ के बाहर चलने के लिए नहीं रोजती है वो व्याधि को हम स्थिर व्याधि बोलते हैं। ऐसा आवृत व्याधि, जो व्याधि तो एक दिन चल जाता है फिर दूसरा दिन और परिवार के साथ वापस आ जाता है उसको आवृत बोलते हैं। जो व्याधि आपको आके फिर आपका घर में जो आदमी है पड़ोसी है किसी को भी नहीं छोड़ता है वो तो व्याप्त व्याधि बोलते हैं। ये सबके लिए यदि योगाभ्यास में एक आदमी को वो बल जोड़ना, योगाभ्यास तो अलग है योग बल तो अधिक अलग है, योगाभ्यास अलग है योग बल अधिक अलग है। इसलिए योग अभ्यास करने के वालों को ये व्याधि तो अवश्य आ जाता है, योग बल के साथ जो रहते हैं उनको ये नहीं आ सकता है। इसलिए योग बल मिलने के लिए 12 साल 10 साल कम से कम 10 साल रखिए, 10 साल का अभ्यास जिसको है उसको योग बल है, 20 साल से अधिक है उनको योग शक्ति है, और 30 साल से अधिक उनको योग सिद्धि है। इसलिए बल मिलने के लिए 10 साल का अभ्यास करना चाहिए, और 10 साल जो योग अभ्यास किए हैं उसको ये क्रूर घोर स्थिर आवृत और व्याप्त व्याधि तो असंभव है, नहीं आ सकता है। यदि वो आता है तुरंत निकल जाता है, वो वहां नहीं बैठ सकता है, जो अनुरूप वातावरण में तो व्याधि नहीं रह सकता ना, इसलिए उनको छोड़ के वो चल जाएगा। और बुद्धि के बारे में हम बोलेंगे, बुद्धि के बारे में योगों से नहीं तो योगाभ्यास से क्या क्या फल मिलता है। ये योगाभ्यास से जो ज्ञान है, आप पुस्तक देख के पुस्तक के साथ युद्ध करते हैं, पढ़ाई में है पुस्तक के साथ युद्ध करते हैं ना, प्रेम कौन करता है
और नौकरी में जो हमको उद्योग दिया है वो काम के साथ हम लड़ाई करते हैं, दोनों जगह में तो हम असह्य होता है, पढ़ाई नहीं तो काम असह्य होता है, इसलिए हमको विद्या से कुछ नौकरी मिलेगी, नौकरी से पैसा मिलेगा, इसलिए हम कुछ प्रेम से पकड़ के पढ़ रहे हैं, भाव से नहीं, क्यों हमारे ऊपर तो मेधा की कृपा नहीं है। यदि आपके पास स्मृति मेधा और प्रतिभा है उससे आपको ज्ञान मिलेगा, वो ज्ञान तो रसपूरित मिलेगा, आज का व्याख्यान इसके बारे में था। इसलिए योगाभ्यास करने वालों को मेधा मिलेगा, मेधा जिसके पास है वो कुछ भी कर सकते हैं। यदि एक पैसा है आपके पास, वो पैसा से आप गुड़ भी ले सकते हैं, मिर्ची भी ले सकते हैं, विष भी ले सकते हैं, दवाई भी ले सकते हैं, ऐसा मेधा तो एक लक्ष्य नहीं है। यदि आप अभ्यंतरण विद्या पढ़ते हैं, अभ्यंतरण मैंने इंजीनियरिंग, अभ्यंतरण पढ़ते हैं तो आप अभ्यंतरण ही पढ़ सकते हैं, संशोधन पढ़ेंगे तो ऑडिटिंग वही पढ़ सकते हैं, अभिवक्तृत्व पढ़ेंगे तो एडवोकेसी वही पढ़ सकते हैं, वैद्य तो चिकित्सा शास्त्र पढ़ेंगे तो वही पढ़ सकते हैं, लेकिन मेधा आपका हाथ में है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, कब भी पढ़ सकते हैं, जितने चाहिए उतने पढ़ सकते हैं, जब चाहिए उसको निकल सकते हैं, वचन का रूप में, लेखन का रूप में, स्मृति से निकल सकते हैं, वो तो मेधा है। और नया नया का उन्मेषण करना, नया नया का आविष्कार करना, वो शक्ति को हम प्रतिभा बोलते हैं। और जो कुछ हम कर रहे हैं किए वो सब याद में रखना और तुरंत निकालना और क्रम से बताना या दिखाना, वो शक्ति को स्मृति बोलते हैं। ये तीन योग का फल है, योग का प्रसाद है। इसलिए योग से आपको ग्रहण आदि मिलता है, विनय आदि मिलता है। ग्रहण आदि मैंने ग्रहण धारण मिलन संकलन प्रवचन प्रयोग, एक ध्यान रख के देखना है, जो ध्यान रख के सुन रहे हैं उसको ग्रहण करना है, जो ग्रहण किए उसको धारण करना है, जो धारण किए उसको संकलन करना है, जब वो पूछते हैं तब उसको प्रवचन में नहीं तो प्रयोग में यदि बताना नहीं तो दिखाना है, इसको ग्रहण आदि सिद्धि बोलते हैं। और केवल ये सिद्धि मात्र योग से आपको नहीं मिलती है, विनय आदि सिद्धि, विनय भव्य भक्ति श्रद्धा विश्वास, ये सब सद्गुणों की वो संपत्ति भी आपको मिलेगी, वो तो विनय आदि गुण बोलते हैं। केवल विनय और विद्या मात्र नहीं, नैपुण्य मिलता है, ये काम करने के लिए दक्षता और नैपुण्य मिलता है, इसके नैपुण्य आदि सिद्धि, केवल नैपुण्य मात्र नहीं मिलता है, जयादि सिद्धि, उसके लिए ऐश्वर्य, उससे ख्याति, उससे जय, उससे विख्याति, वो भी मिलता है। इसलिए जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं सिर्फ वो पढ़ाई मात्र देती है, नहीं तो वो भी नहीं देती है, परंतु योगाभ्यास में मेधा प्रतिभा और स्मृति की शक्ति और धरणादि सिद्धि, विनयादि सिद्धि और नैपुण्य आदि सिद्धि और जयादि सिद्धि, ये सब बहुत रसपूर्वक सिद्धियों का आकार और भंडार तो योग प्रक्रिया है, इसलिए उसे सब कुछ मिलेगा। और मन में बहुत कुछ हो, क्योंकि अशांत मन, अल्पशांत मन से ही सब विकार हो जाता है। अभी ये आतंकवादी सब लोग है ना, सब लोग का बुलाइए, आपको जीवदान करेंगे और आपको जीवन के लिए मार्ग बताएंगे, ये सब बोल के बुलाइए, कितने लोग आएंगे, 10-15 लोग आएंगे। एक आदमी को जीवदान देने के लिए और खुद जीवन लेने के लिए एक मार्ग बताने वाले को सुनने के लिए 10-15 लोग ही आएंगे, लेकिन खुद उनको विनाश के लिए, खुद उनका विनाश और दूसरे वालों को, बहुत लोगों को मारने के लिए वो बुला रहे हैं, इतने लोग छोटे छोटे बच्चे लोग वहां बैठ के कर रहे हैं, उतना शिक्षण होने दिए, उतना प्रशिक्षण होने दिए, वो पद्धति बहुत अलग है। इसलिए हमारे लोग भी वो आतंकवादी ने जैसा प्रशिक्षण दे रहा है उनसे पूछ के, नहीं तो जानकारी करके, ऐसी एक पद्धति से हम प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे उतनी वैराग्य और उतना एक त्वर भाव हम, हमारे जो शिक्षक लोग हैं वो भी रख लेंगे और हमारे जो मानवक लोग हैं, छात्र लोग हैं, उनके ऊपर भी उतना जो शास्त्र मर्यादा और विश्वास और क्रिया शक्ति उनको भी उतनी मिलेगी। तो देख रहे हैं ना, आतंकवाद कहाँ से आता है, अशांत मन से ही आतंकवाद आता है। यदि एक छोटा अशांति है उसे क्या करता है, कुछ मारता है, नहीं तो कुछ बोलता है। और बहुत बड़ा विस्तार अशांत से हजारों लोगों को मारने के लिए मन होता है, जीनोसाइड, असंख्य या सजातीय मनुष्यों को मारने के लिए वो मन आ जाता है। वो अशांत मन से पांच प्रकार का ये प्रजालोक हो सकता है। एक आदमी तो व्यर्थ, पहला आदमी का नाम क्या है, व्यर्थ, वो किसी का उपयोग नहीं है उनसे, उसको क्या बोलते हैं, व्यर्थ। दूसरा तो दुष्ट, उनसे बहुत हिंसा पीड़न और बहुत विनाश भी होगा, वो तो दुष्ट। तीसरा तो अल्प, उनसे कुछ भी नहीं होगा, उनसे उनको होना तो बहुत ज्यादा है।
उनकी उन्नति के लिए उनसे होना तो बहुत ज्यादा है, उनको क्या बोलते हैं, अल्प बोलते हैं। स्वार्थ जो बहुत बड़ा रूप में आ जाता है, लेकिन केवल उनकी वृद्धि में वो ध्यान रखता है। अन्य अर्थ जो अभी यहां पढ़ के भारत में सब लेके विदेश में काम कर रहा है, वहां की आर्थिक परिस्थिति तो जो बढ़ा रहा है वो तो अन्य अर्थ है, पर अर्थ मैंने ये देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है। जिसका मन में शांति नहीं है, पूर्ण शांति नहीं है, जिसका मन में तो वो नियति नहीं है, यदि वो आदमी व्यर्थ होगा, नहीं तो दुष्ट होगा, नहीं तो अल्प होगा, नहीं तो केवल स्वार्थ होगा, नहीं तो अन्यार्थ होगा, न तो परार्थ और लोकार्थ नहीं होगा। ये सब मन का विकार है, जिसका नियंत्रण हम बचपन से यदि करेंगे तो योगाभ्यास से बहुत बड़ा एक अच्छा संप्रदाय और समूह का विपत्ति हम कर सकते हैं। आप जानते हैं ना, बहुत बड़ा ये सब कर रहे हैं, बहुत बड़ा ये प्रजोत्पत्ति में बहुत कर रहे हैं। सर्पों की उत्पत्ति कैसा करना, यह कुक्कड़ को कैसे करना, यह कुक्कर को कैसे करना, बहुत जानवर पक्षियों का बहुत व्युत्पत्ति कर रहे हैं ना, ये सब जानते हैं। जितने अभी कर रहे हैं वो लोग बेचने के लिए, व्यापार के लिए कर रहे हैं। अच्छा सद मनुष्यों के बनाने के लिए एक प्रक्रिया है, एक संस्था है, क्या वो संस्था? तो योगा संस्था। योगा संस्था तो यदि आप जानते हैं, जो मांस भक्षिणी है उनके लिए एक अच्छा मत्स्य मिलने के लिए, सब मत्स्य का पोषण और वर्धन के लिए बहुत बड़ी संस्था रखा हुआ है, जिसमें वो विवेचन कर रहे हैं इससे बड़ी मछली कैसे हम कर सकते हैं, बहुत पुष्टिपूर्वक मछली को कैसे बन सकते हैं, बहुत लोग आ सकते हैं। ऐसा एक खाद्य मांस बुद्धि दृष्टि से मछली की वृद्धि जो कर रहे हैं, वैसा मनुष्य की वृद्धि के लिए एक ही संस्था है, वो तो योग संस्था है। अच्छा मनुष्य को हम मिलवाना, उनको बढ़ाना और पूरा ये समूह में हमारे दृष्टि रख के ये तुरंत समग्र समुदाय की वृद्धि में ध्यान करना, नहीं तो केवल एक आदमी का, नहीं तो एक समूह का, वो तो विश्वव्याप्त है और विश्व रक्षित है, केवल एक आदमी का, एक मत का, एक संप्रदाय का अनुयायी नहीं है। इसलिए आतंकवाद से ही इतने बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए, इसका जो मूल्य है अभी हम शिक्षा में दे दिए, इसे आप क्या करना चाहिए, ये तो अनिवार्य विभाग होना चाहिए सब पाठ्यक्रमों में। बचपन में वो विद्याशाला में बताना चाहिए। अभी तो पूछ रहे हैं ना, यदि माँ बाप कुछ पढ़े हैं फिर भी वो बच्चा को स्कूल में अनुमति मिलेगी, इसे बोलना चाहिए ये बच्चा तो यहाँ योगाभ्यास करना चाहिए, और जो माँ बाप योगाभ्यास कर रहे हैं उनको ये यहाँ अनुमति मिलेगी, क्योंकि घर में भी कराना चाहिए ना। यहाँ कुछ ना कुछ ड्रिल जैसा करके फिर घर में जाके भूल जाके वो सिर्फ दूसरा काम देखेगा तो उसका अनुवर्तन कैसे होगा, पूर्ण लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए यह तो अनिवार्य विभाग होना चाहिए सब पाठ्यक्रमों में। यह सब मामूल मानुषिक बौद्धिक और शारीरिक वृद्धि के लिए जो चाहिए वो तो अलम है, वो तो बस। और हठयोग प्रदीपिका आप जानते हैं, हठयोग सिद्धि है, देशांतर संचार, ग्रहांतर संचार, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व मारण मोहन वश्य स्तंभन भेदन आक्रोशन उच्चारण विद्वेषण दूरग्रहण सारग्रहण अग्रग्रहण पूर्ण ग्रहण अपठन अनध्ययन अल्पाध्ययन लिपि पाठन मंत्रदेवता पाठन आचार्यासनी बलासनी देवदासनी आशभाषिनी, ये बहुत विद्या के ज्ञान से हम क्या करेंगे। केवल एक मनुष्य तो शरीर से, मन से, बुद्धि से मनुष्य होना चाहिए, खुद उनका उपयोग, उनका कुटुंब का उपयोग और उनका जो समूह का उपयोग और राष्ट्र का ये गौरव होना चाहिए, और दुनिया में शांति और सौभाग्य और ऐक्य प्रेम भाव होना चाहिए, उतने के लिए जो बस है वो सिखाने से बहुत कुछ होगा। इसलिए दो प्रकार का आदमी है अभी। अभी तो बोलते हैं ना, एक आदमी तो ये डिजिटल मैन और नॉन डिजिटल मैन बोलते हैं, विज्ञान का परिणाम और विकास में क्या बोलते हैं, जो तो विज्ञान शिक्षित है और अशिक्षित है, शिक्षित और अशिक्षित, ऐसा हम बोलते हैं। दो प्रकार का आदमी है, योगी और अयोगी। और सब योगी क्या करना चाहिए, योगी सिर्फ योगियों का वर्धन के लिए काम नहीं करना चाहिए, अयोगियों का वर्धन के लिए बहुत काम करना चाहिए, वो तो पूर्ण योगी है, सत्योगी है, क्या कर सकता है, उसको पंच सिद्धि है। एक पूर्ण योगी को पंच सिद्धि है, क्या क्या कर सकता है, शिक्षण रक्षण प्रार्थन, शिक्षण मैंने उनको पाठ्यक्रम बोधन करना और क्रम बताना और दिखाना, ये सब तो शिक्षण वो तो कर रहे हैं। रक्षण जो शिक्षण में है वो शिक्षण से दूर नहीं होगा, जो अभी पढ़ रहे हैं उनको प्रेम भाव से, भक्ति भाव से एक आचार्य ने रक्षण करना चाहिए, जो तुम कर रहे हो वो तो दीर्घ ध्यान में रख के हमेशा करना चाहिए, वो तो रक्षण है।
एक दिन सिखाना तो शिक्षण है, हमेशा दिल में रखाना तो रक्षण है। वो रक्षण तो आचार्य करना चाहिए। और जो योग संप्रदाय में योग शास्त्र में नहीं आते हैं, प्रवेश नहीं करते हैं, उनके लिए